गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल अपन ने अपने 17.7 के प्रश्न आवे जिसमें अपन ने माध्यिक निकालना सीख लिया था तीनों विधियों से। आज अपन उसी में आगे बढ़ते हुए 17.8 के जो लास्ट प्रश्न आवली है उसमें अपन को दिया हुआ है बहुलक। तो बहुलक भी अपन तीनों विधियों से ज्ञात करेंगे। कौन सी? आज अपन दो ही पढ़ेंगे, इसमें पहली पढ़ेंगे ए वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, दूसरा अपन पढ़ेंगे अवर्गीकृत बारंबारता का बहुलक। तो इन दोनों में देखिए बहुलक आप कैसे ज्ञात करोगे। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक आप कैसे ज्ञात करोगे? बहुलक वह संख्या होगी जो सबसे अधिक बार आई हो या अधिक बार हो। इसमें अवर्गीकृत बारंबारता में बहुलक कैसे ज्ञात करोगे? बहुलक वह संख्या होगी जिसका fi में मान सबसे बड़ा होगा। यानी बहुलक के अपन दो विधियां पढ़ रहे हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक और अवर्गीकृत बारंबारता का बहुलक। तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि बहुलक वह संख्या जो सबसे अधिक बार आई हो और अवर्गीकृत बारंबारता में बहुलक वह संख्या होगी जिसका एफ आई में सबसे बड़ा मान हो, या अपन बोल सकते हैं एफ वन वाले मान की संख्या को क्या बोलेंगे अपन? बहुलक। तो देखिए अपन अब इसके ऊपर करते हैं अपने प्रश्नावली में शुरुआत, क्योंकि उदाहरण दिया हुआ है वो तो जो अपने तीसरी बात आएगी उस पे है। तो पहले अपन इन दोनों को करते हैं, तो प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो देखिए अब देखिए अपना पहला प्रश्न है बहुलक ज्ञात करना है इनमें। तो आप इनमें से देखोगे तो सबसे ज्यादा बार आपको कौन सी संख्या दिख रही है? पांच। तो इसका बहुलक क्या होगा? पांच। इसमें आप देखोगे दो 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 बार, छह एक दो तीन बार, तो बहुलक क्या हो जाएगा? छह। इसमें देखोगे 2.5 2.5 2.5 और 2.5, यही सबसे ज्यादा है, तो बहुलक हो जाएगा 2.5। दूसरा देखिए ये है अवर्गीकृत बारंबारता में, तो इसमें आपको सबसे बड़ा मान क्या दिख रहा है? छह, तो बहुलक क्या होगा? पांच, क्योंकि छह का एक्स का मान। इसमें सबसे बड़ा मान क्या दिख रहा है? 80, तो बहुलक क्या होगा? 1.3। तीसरे में देखिए सबसे बड़ा मान आपको क्या दिख रहा है? 10, तो 10 की कितनी? 6, तो बहुलक कितना होगा? 6। चार में देखिए आपको सबसे ज्यादा बार क्या दिख रही है? 14। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 बार क्या दिख रही? 14। 13, 1 2 3 4 5 और 6 कम रह गई, तो बहुलक कितना हो जाएगा? 14, क्योंकि सबसे ज्यादा बार क्या ही है? 14। तो ये हो गया अपने 17.8 के चार क्वेश्चन। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी है अवर्गीकृत बारंबारता है, तो इसमें सबसे बड़ा मान क्या दे दिया? 26, तो 26 का कितना? 40, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 40। ये हो गया अपने क्वेश्चन। अब अपना एग्जांपल है एक नंबर, इसमें देखिए आपको क्या दे दिया? वर्ग अंतराल दे दिया। तो अब अपन सीखेंगे क्या कि वर्ग अंतराल यानी बहुलक ज्ञात करना कब? जब वर्गीकृत बारंबारता, जब वर्गीकृत बारंबारता। तो इसके लिए आपका सूत्र होगा एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा 2f1 - f0 - f2 गुणा में, ये होगा आपका सूत्र। तो एफ वन आपने माध्यक में क्या पढ़ा था कि एफ आई में सबसे बड़ा, एफ जीरो क्या होगा? एफ वन से
ऊपर वाला मान, इसमें एफ आई बी। एफ टू क्या होगा, एफ वन से नीचे वाला मान, इसमें एफ आई बी। एल वो ही अपनी एफ वन की निम्न सीमा, यानी एक्स आई में न्यूनतम मान, एच वो ही अपना वर्ग। तो इसमें मैन क्या हो गया, एफ वन हो गया। अब अपन इसको करते हैं, तो अपन लिखेंगे सबसे पहले एफ वन, सबसे बड़े मान को आप ब्रैकेट में ले लीजिए कितना 44, फिर एफ जीरो इससे ऊपर वाला मान तो 20, एफ टू इससे नीचे वाला मान तो 26, एल इसकी न्यूनतम सीमा 40, एच अंतराल कितने का है, ये हो गया। तो अपना बहुलक, बहुलक के सूत्र था एल, एल का मान 40 प्लस एफ वन 44, एफ जीरो 20 बट्टा 2 का एफ वन यानी 44 माइनस 20 माइनस 26 वहां भी क्या 15, तो 40 तो आ गए प्लस ये ऊपर बच गए 24, ये आ गए 88 माइनस ये आ गए 46 गुना 15, तो आ जाएंगे 40 प्लस 24 बट्टा 2 और 4 42 गुना 15, तो 12 × 24 की 42 4 3 12 7 3 21 15 4 60, तो 40 प्लस 60 बट्टा 7 7 × 8 56 बचे 4 7 5 35 कितना आ जाएगा 48.5। ये अपना तीसरा तरीका हो गया कौन सा, वर्गीकृत बारंबारता से बहुलक ज्ञात करना। अब इसके क्वेश्चन है अपन वो करते हैं, तो देखिए अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 6, इसमें अपन सबसे बड़ा मान 16 को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एफ वन का मान 16, एफ जीरो का 7, एफ टू का 12, एल कितनी है न्यूनतम सीमा 20, x कितना है 5, तो बहुलक क्या हो जाएगा, l 20 प्लस f 1 16 0 7 2 गुना 16 माइनस f 0 7 f 2 12 गुना में 5, तो आ जाएगा 20 प्लस कितने बचे 9, 16 × 32 माइनस 12 × 7 = 19 गुना 5, तो 20 प्लस 9 × 5 = 45 और 32 में से 19 गए 13, तो 13 × 26 = 39 बचे कितने 6, 13 × 52 कितना आ जाएगा 23.6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सबसे बड़ा इसमें सबसे बड़ा मान दे दिया 14, तो एफ वन का मान 14, एफ जीरो का मान 12, एफ टू का मान 10, एल इसकी न्यूनतम सीमा 20, एच अंतराल चल रहा है 10 का, तो आपका बहुलक क्या होगा 20 प्लस 14 माइनस 12 बट्टा 2 गुना 14 माइनस 10 माइनस 12 गुना में 12 माइनस 10 तो गुना में भी 10, तो ये 20 प्लस ऊपर 2 14 गुना 28 में से 22 ले तो 6 और 10 थे 2 तिया 6, तो 20 प्लस 10 बट्टा 3 तो 3 तिया 9 बचा 1 तिया 9 23.3, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सबसे बड़ा मान 42, एफ वन 42, एफ जीरो 28, एफ टू 20, एल 40 और एच अंतराल 10 का, तो आपका बहुलक क्या होगा 40 प्लस 42 माइनस 28 बट्टा 2 गुणा 42 माइनस 28 माइनस 20 गुणा में 10, तो 40 प्लस 42 में से 28 ले तो 14 और 4 2 दुनी 4 4 दुनी 8 माइनस 48 गुणा 10, तो 40 प्लस 14 गुणा में आ जाएगा 10 और 14 में से 8 गए 6 और 7 में से 4 गए 3 36, तो 2 7 14 18 दुनी 36 ये कितना आ जाएगा अपना, ये आ गया अपना 40 प्लस 70 बट्टा 18, तो 18 × 6 = 54, तो 3.54 के बाद में कितना बचा 16, तो 18 × 8 = 144,
तो ये कितना आ जाएगा 43.8। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब 9 नंबर देखिए, सबसे बड़ा मान 25, तो F1 25, F0 20 और F2 10 और L 25 की 58 और H कितना है डिफरेंस 3 का, तो बहुलक क्या होगा 58 + 25 - 20 / 2 × 25 - 20 - 10 × 3, तो 58 + 5 × 3 = 3, 25 × 50 = 30 = 20, 5×20 = 20, 58 + 3/4, तो 4 का भाग देंगे पॉइंट तो लग जाएगा पहले 30, 7×28 पे आ जाएगा 58.7। ये हो गया अपने प्रश्नावली 17.8। कल अपन करेंगे 17 की विविध।